हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे माता रानी की कृपा से। तो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ मैहर माता शारदा माता के दर्शन ब्लॉग का दूसरा भाग लेकर। और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भाग बहुत अच्छा लगेगा। और दोस्तों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने मैहर माता दर्शन ब्लॉग को बहुत ही प्यार दिया। आप लोगों को अच्छा लगा, इस बार से मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने माता रानी का दर्शन किया और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों, अब मैं दिखाऊंगी आपको आगे का भाग। ये देखिए, अब हम लोग जा रहे हैं हवन करने। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम जा रहे हैं हवन करने। यहाँ एक पंडित जी थे, वही हवन करवा रहे थे, तो हम सब लोगों ने हवन किया। तो हवन करने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए रोपवे किस तरह से आता है। मुझे तो बहुत देखने में अच्छा लग रहा था, इसलिए मैं इसको बार बार रिकॉर्ड कर रही थी। ये देखिए, ये इस तरह से आ रहा है और यहीं पर ये रुकता है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा था, बट अंदर जाने का परमिशन नहीं था, तो मैं बाहर से ही, ये देखिए खिड़की से ही रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखिए, ये आके रुक गया और इसमें से लोग भक्तगण निकल मतलब उतर रहे हैं। ये देखिए नॉन स्टॉप आता है जाता है, बहुत अच्छा लगता है देखने में। और मैं काफ़ी देर तक मैं खड़े होकर देख रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर मैं हवन करने गई थी। ये देखिए फिर से आ गया एक, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि पक्के आम की तरह सब लोग आ रहे हैं। और ये देखिए हम सब लोग सामग्री, कुछ पंडित जी गया था, कुछ हम लोग लेकर गए थे। और ये देखिए कर रहे हैं। और ये देखिए हमारा पंडित जी हवन करवा रहे हैं और हम हो गई, कंप्लीट हो गई। और अब हम वापस नीचे जा रहे हैं। ये देखिए ऊपर का व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ, ऊपर से कितनी अच्छी पहाड़ियाँ दिख रही हैं। ये देखिए कितना सुंदर घाटी है, खाई है, कितना प्यारा लग रहा था। सुबह सुबह का मौसम था, तो इसे कोहरा की तरह फील हो रहा था, दिख रहा था। और अब हम लोग वापस जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के बाद। और ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, माता रानी कितनी ऊपर है पृथ्वी से, इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दोस्तों, सीढ़ी की चढ़ाई में थोड़ी दूर का रास्ता इस तरह से है, सड़क मार्ग की तरह, बाकी सीढ़ियां हैं। ये देखिए, तो इस तरह के सीढ़ियां रास्ता तो ठीक रहता है, बस सीढ़ियां चढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन मज़ा भी बहुत आता है, बहुत अच्छा लगता है लोगों के साथ जय माता जी का जयकारा करते हुए चढ़ाई करना। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, माता रानी के दरबार से का से ये व्यू दिख रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
दोस्तों ये देखिए एक लड़की है, सिंदूर पहन रही थी और ये लड़की अच्छी लगी मुझे, उसकी क्वालिटी भी और उसका हेयर स्टाइल और उसका आँखों काजल मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने इसकी परमिशन लेकर इसका वीडियो बना लिया। लड़की ने परमिशन दी है वीडियो बनाने के लिए, देखिए कितनी प्यारी लड़की है, मुझे बहुत अच्छी लगी। और मेरी माता जी ने इससे सिंदूर भी लिया था। और ये देखिए हम पोहा खा रहे हैं, वहाँ पोहा और छोला मिल रहा था क्योंकि हम लोगों को भूख लग गया था, और ये चाय मिल रहा था तो बस हमने पोहा और चाय का ही नाश्ता किया था। बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा पोहा था। ये देखिए हम चाय ले रहे हैं। सुबह का चढ़ाई करने के बाद थकान लगी और भूख लगी, उसके बाद चाय मिल जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। मुझे बहुत मज़ा आया था चाय पीने में और चाय भी बहुत अच्छी थी। और दोस्तों अब हम वापस जा रहे हैं प्रयागराज माता रानी दर्शन करने के बाद, और हम माता रानी से यही प्रार्थना करेंगे कि हमको जल्दी से फिर दर्शन दें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा माता रानी का दरबार, माता रानी का आशीर्वाद बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इसीलिए हमने सोचा जो हमारे दोस्त लोग यहाँ नहीं आ पाए हैं या नहीं आ सकते हैं कंडीशन में, तो हम उनको भी दर्शन माता रानी का करवा दें, वो लोग भी धन्य हो जाएं। तो दोस्तों आपको ये ब्लॉग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस ब्लॉग के आगे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाला है बहुत जल्दी ही। तो ये देखिए ये हाईवे से हम लोग ऊपर जा रहे हैं, ये मध्य प्रदेश का हाईवे है। आप लोग भी देखिए कि मध्य प्रदेश कैसा है, क्योंकि मुझे तो अदर स्टेट अदर कंट्री और अदर चीज़ें देखना, मुझे अजनबी जगह बहुत अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें देखना नई नई जगह जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इसके आगे जाने के बाद एक और ऐतिहासिक स्थल मिला था मुझे, और मैं वहाँ भी घूमने गई थी तो उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मुझे भरोसा है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया था। ये देखिए पहाड़ियाँ दिख रही हैं किस तरह से, कितना अच्छा लग रहा है। रात में तो दूसरी तरह दिख रहा था और अब दिन में देखिए इस तरह दिख रहा है। और हमने आपको रात का और दिन का दोनों का वीडियो दिखाया है, आप लोगों ने देखा होगा। तो दोस्तों अब हम वीडियो को विराम देते हैं, और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को माता रानी का दरबार अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जय माता जी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आप लोगों को भी माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो सके, आप लोग भी धन्य हो जाए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे लगता है कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग लाइक कर देंगे, क्योंकि माता रानी का आशीर्वाद कौन नहीं लेना चाहेगा। तो दोस्तों वीडियो को विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को एंजॉय कीजिए, टेक केयर।